नमस्ते, कोल्ड फ्यूजन हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने टेस्ला बैटरी के बारे में बात की थी। अगर आपको वो पसंद आई तो मैं एक फॉलोअप वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस द्वारा अचीव किए गए नए कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी के बारे में बात करेंगे। आपने लिथियम आयन बैटरीज के बारे में तो सुना ही होगा, ये हर जगह है, आपके लैपटॉप और फोन से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स और प्लेन्स तक। लेकिन इनका सबसे बड़ा इशू है उनके एनर्जी डेंसिटी। बैटरी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक मैटर करते हैं जिसमें से एनर्जी डेंसिटी एक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ग्रिड स्केल स्टोरेज की तो हमें चाहिए होता है कि बैटरी कुछ साल से ज़्यादा चले। ये एक चैलेंज है जो हमें फेस करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई और फॉर्म ऑफ बैटरी हो सकती है जो ज़्यादा एनर्जी डेंस हो। लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के रिसर्चर्स ने पहली बार दिखाया है कि लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड बैटरीज को फुली रिचार्जेबल मैनर्स में ऑपरेट किया जा सकता है। इनका प्रोटोटाइप 500 कॉन्सिक्यूटिव चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल को मैनेज कर सकता है। लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड बैटरीज एक अट्रैक्टिव एनर्जी सोर्स सिस्टम है क्योंकि उनका स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी करंट बैटरी से 7 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि एक बैटरी थियोरेटिकली 7 टाइम्स लाइटर हो सकती है और फिर भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होल्ड कर सकती है, या फिर सेम वेट और साइज रखकर 7 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी होल्ड कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब तक साइंटिस्ट ने फुली रिचार्जेबल वर्जन डेवलप नहीं कर पाए थे। इसका मतलब ये था कि इनकी पोटेंशियल टू स्टोर मोर एनर्जी वर्चुअली यूजलेस थी। दुर्भाग्यवश लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड बैटरीज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस के दौरान खुद को डिस्ट्रॉय कर देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रेडिशनली जब एक लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वो लिथियम कार्बोनेट और कार्बन प्रोड्यूस करती है। लिथियम कार्बोनेट चार्ज फेज के दौरान रिसाइकल होता है लेकिन कार्बन कैटलिस्ट में एक्यूमुलेट हो जाता है जो अल्टीमेटली बैटरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। कार्बन का एक्यूमुलेशन कैटलिस्ट के एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ये चार्ज स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन को ट्रिगर करता है। इस तरह की बैटरी अपने आप को 100 साइकिल कंप्लीट करने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन नए ब्रेक थ्रू बैटरी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है और जैसा कि पहले मेंशन किया गया था कि नंबर ऑफ साइकिल्स को 500 तक ले जाता है। रिसर्चर्स ने अपने एक्सपेरिमेंटेशन में नए मटेरियल्स का यूज़ किया। ये मटेरियल्स लिथियम कार्बोनेट और कार्बन के थ्रू रिसाइकिलिंग को इनकरेज करते हैं जिससे कार्बन बिल्डअप प्रॉब्लम को रोक दी जाती है। हमारा यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल पहले कार्बन न्यूट्रल लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी बनाने में मदद करता है जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है और लॉन्ग लास्टिंग लाइफ साइकिल के साथ आती है। इससे एडवांस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में यूज़ किया जा सकता है। हर साल US में सेवरल गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। यह एक बहुत बड़ा नंबर है और हमें इसे निपटना होगा। हम कार्बन डाइऑक्साइड को रीमेडिएट कर सकते हैं और इसे एनर्जी का सोर्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इससे कुछ यूज़फुल केमिकल कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं अगली जनरेशन के लिए इशू नहीं छोड़ना चाहता, मैं यहाँ ही सॉल्व करना चाहता हूँ। रिसर्च प्रोसेस के पार्ट के रूप में कंप्यूटर मॉडलिंग का यूज़ किया गया था, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन का यूज़ किया गया था बैटरी के रिवर्सिबल ऑपरेशन का मैकेनिज्म को डिड्यूस करने के लिए। ये सब सुनने में तो अमेजिंग लगता है लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन देना ज़रूरी है। ऐसी ब्रेक थ्रू रियलिटी में अमेजिंग होती है लेकिन इन्हें लैब से बाहर कमर्शियली वायबल बनाने के लिए और ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन ये ब्रेक थ्रू बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है और एनर्जी डेंसिटी 7 टाइम ज़्यादा होने के साथ लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड बैटरीज बैटरी रिवोल्यूशन के वाइटल पार्ट बन सकती है 2020s में। लेकिन इसके लिए हमें वेट करना होगा और देखना होगा। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं रिसेंटली अमेरिका से वापस आया हूँ एक ट्रिप से। वहाँ मैंने कुछ बिजनेस मीटिंग्स अटेंड की, इसी वजह से वीडियोस गैप आया था, लेकिन अब मैं रेगुलरली पोस्ट करना शुरू कर दूंगा। अगर आपने मिस्टर बीस्ट के एफर्ट्स चेक नहीं किए हैं 20 मिलियन ट्रीज प्लांट करने के लिए तो वो चेक करें। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर DM किया था और पूछा था कि क्या मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। मैं कुछ लिंक्स नीचे दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। $1 डोनेशन से एक ट्री प्लांट होता है। धन्यवाद देखने के लिए। आप कोल्ड फ्यूजन हिंदी देख रहे थे। कोल्ड फ्यूजन पॉडकास्ट करना ना भूलें और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।